दफ्तर में भगवा झंडे लहराए, धर्म संवाद में पुजारियों को बुलाया, हनुमान जयंती पर सुंदरकांड, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, और ये सब बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने करवाया और इसके सूत्रधार रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस जो कर रही है वो तो कालनेमी ने भी किया था भगवा पहनकर, लेकिन भक्त हनुमान ने पहचान लिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवा के साथ में अन्याय अत्याचार करने का काम किया था, आतंकवाद का नाम भगवा के साथ जोड़ने का काम किया था। इसी बीच कमलनाथ रोजेदारों के बीच भी पहुंच गए। यहां उन्होंने बीजेपी पर दंगे फसाद का आरोप मढ़ दिया। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो एक तरफ हिंदुत्व वाला अवतार और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में मौजूदगी, यही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए छटपटाहट।